हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर के एक ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा जिसकी मदद से आप अपने काले गर्दन को, अक्सर काली गर्दन हो जाती है, गले के चारों साइड कालापन हो जाता है, फेस में कालापन हो जाता है, होंठ के चारों साइड कालापन हो जाता है, आंखों के नीचे कालापन हो जाता है और ख़ास तौर पर जो है हाथों की जो कहनी होती है ना, यहाँ पे ये काला हो जाता है। तो इसको आप किस तरीके से आराम से सफ़ेद या फिर साफ़ इसको कर सकते हो बहुत ही कम मेहनत में और बिना किसी परेशानी के। बहुत ही सिंपल और इजी सा नुस्खा बताने वाली हूँ, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो आज का ये घरेलू नुस्खा होम रेमेडी बनाने के लिए आपको चाहिए होगा टमाटर। टमाटर दोस्तों कहा जाता है गुणों का भंडार होता है, भरपूर मात्रा में इसके अंदर विटामिन सी के साथ साथ विटामिन डी होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो है दोस्तों ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि स्किन को ये जो है सफ़ेद करता है, वाइट करता है, ब्लीच करता है। इसके साथ साथ ही अगर आप इसको अपने चेहरे पे लगाते हो ना, तो आपके चेहरे से डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स वगैरह को दूर करता है, आपके चेहरे से पिगमेंटेशंस वगैरह को हटाता है, एक्ने को दूर करता है और आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा चमकने लगता है, बिल्कुल टमाटर जैसा लाल लाल हो जाएगा अगर आप टमाटर का जो है इस्तेमाल अपने फेस पे कंटिन्यू करते हो। इसके साथ साथ ही दोस्तों कहा जाता है अगर आप टमाटर खाते हो रेगुलरली तो टमाटर के और भी बहुत ही फ़ायदे होते हैं, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे चेहरे पे इसको खाने से बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। तो यहाँ पे आपको आधा टमाटर का जो है रस निकालना है इस तरीके से जैसे मैंने लिया है, लगभग एक चम्मच आपको रस की ज़रूरत पड़ेगी और यही टमाटर का जो है आप यहाँ पे पल्प भी निकाल सकते हैं। टमाटर में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो हमारे फेस से सभी डेड सेल्स को, एक्ने पिगमेंटेशंस वगैरह को दूर करता है, कालापन दूर करता है, होंठों के चारों साइड के कालापन को दूर करता है। अब अगला सामग्री आपको लेना है नींबू। नींबू का यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं, लगभग आधा चम्मच के आसपास आपको रस लेना है। नींबू का रस दोस्तों इसके अंदर भी भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और इसके साथ साथ ही इसमें भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि ब्लीच करता है। अक्सर आप देखना जब आप नींबू को किसी भी टाइल्स या मार्बल पर रखती हो तो उसका रस की वजह से वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा वाइट वाइट सा दाग हो जाता है, इसका मतलब वो ब्लीच कर देता है उस पर स्थान को। तो ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि अगर आपके अपने काले निशान पे जहाँ पे भी कालापन है वहाँ पे अगर आप लगाते हो तो वहाँ के डार्क्स कालापन को हटा के, डार्क स्पॉट्स को हटा के वहाँ पे बिल्कुल सफ़ेद कर देता है। और उसके बाद आपको चाहिए होगा ये कोई भी पेस्ट ले ले, जैसे कोलगेट होता है, जो क्रीम वाला पेस्ट होता है ना वैसे टाइप का क्रीमी वाला पेस्ट लेना है, जेली वाला नहीं लेना है, क्योंकि पेस्ट में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। जिस तरीके से हमारे दांतों को पेस्ट साफ़ करने में हेल्प करता है, चमका के रखता है, उसी तरीके से आपके चेहरे के लिए, आपके गर्दन के लिए, आपकी केहनियों के लिए जो है ना पेस्ट वरदान साबित होगा। बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट होता है कोलगेट के। कोलगेट पेस्ट के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, कोलगेट के जैसा ही और भी बहुत सारा पेस्ट होता है, जैसे पतंजलि का आता है उस तरह का ले सकते हैं। तो जो क्रीमी वाला होता है ना, क्रीम वाला वो लेना है, जेली वाला कोई भी पेस्ट ना ले, और इसको सभी चीज़ों को मिक्स कर देना। और ये जो बहुत ही बढ़िया सा नुस्खा तैयार हुआ है ना दोस्तों, एकदम ज़बरदस्त है। सप्ताह में कम से कम आप इसको दो बार ज़रूर ट्राई करिएगा, जहाँ पे भी कालापन है ना वो वहाँ पे लगा के देखिए, कुछ ही दिन में आपका ये सभी कालापन दूर हो जाएगा। अक्सर गर्दन में, केहुनी में इस तरीके से जो जो है काला काला निशान हो जाता है, बहुत बार पसीने की वजह से होती है, बहुत बार बहुत सारा रीज़न होता है, उसको लगा करके आपको देखना चाहिए। बहुत ही बढ़िया नुस्खा है दोस्तों। तो ये जो हमने बनाया है इसको अपने गर्दन पे चारों साइड इस तरीके से लगा दीजिए सिंपली, और लगा करके दोस्तों इसी तरीके से आपको अपने पूरे फेस पे, होंठ के चारों साइड में जहाँ पे भी आपको लगता है कि कालापन है, दाग धब्बे हैं, वहाँ पे लगाइए, पिंपल्स वगैरह जहाँ पे भी है वहाँ पे लगाइए, और लगा करके इसको आपको छोड़ना है। 15 मिनट तक ज़रूर छोड़िए, मिनिमम 15 से 20 मिनट छोड़िएगा। जैसे आप इसको लगाइएगा ना आपके फेस में एक फीलिंग्स आएगा, एक सेंसिटिवनेस फील होगा, सेंसेशन जैसा फील होगा आपको कि कुछ असर हो रहा है आपके फेस में। बहुत ही बढ़िया सा इफ़ेक्टिव सा DIY है, बहुत ही अचूक उपाय है, आप करिएगा ज़रूर दोस्तों। अगर आपका गर्दन के चारों साइड कालापन है, केहुनी में कालापन है और आपकी आंखों के नीचे कालापन है, होंठों के चारों साइड कालापन है, बहुत ही जल्दी ये दूर करेगा।
बहुत ही सिंपल और इजी है। कोलगेट सबके घर में होता है, टमाटर सबके घर में होता है, नींबू सबके घर में होता है। तो ये सभी तीनों चीज़ों को मिला करके आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, कालापन का है, वहाँ पे आपको उसको अच्छे से लगा लेना है और 15-20 मिनट तक इसको एज इट इज़ लगा रहने थे। 15-20 मिनट के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसको अच्छे से नॉर्मल पानी से वॉश कर ले। 15-20 मिनट के बाद ही आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, आपके स्किन से एक अलग सा शाइन फील होगा, आपकी स्किन में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस फील होगा, आपकी स्किन से जो कालापन है ना बहुत ही कम और बहुत ही बढ़िया दिखेगा। दोस्तों पहली बार के इस्तेमाल से आपको फ़र्क दिखेगा, बहुत ही सिंपल और इजी सा रेमेडी है, ट्राई करते रहिएगा, बहुत ही फ़र्क दिखेगा। ट्राई कीजिए और हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको कैसा असर हुआ है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लगा कमेंट्स करना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले।